मॉर्निंग 10th क्लास बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब जो नर्वस सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है, उसको तोड़ा गया है दो हिस्सों में, CNS एंड PNS। CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होता है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो CNS होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों का लिंक कराते हैं हम लोग बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमारे पास बात आ गई CNS की, तो फिर पढ़ना CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। पहले हमने ब्रेन की बात करनी है, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन होता है इसमें, मिड ब्रेन होता है, ठीक है, इसके बाद हिंड ब्रेन होता है। तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारा ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इससे ये वाली जो पार्ट होता है इसका हम सेरिब्रम बोलते हैं, ये सेरिबेलम होता है, ये पोन्स, मेडुला, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेरेनियम, स्कल, जो भी मतलब ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमने धीरे करके पढ़ना है मिड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, या ये वाला क्या कहते हैं उसको हिंड ब्रेन क्या होता है, ये अब हम लोगों ने पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे पास हम होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है सेंसरी एरिया, सेंसरी एरियाज एंड मोटर एरियाज। ठीक है, उन्होंने बोला सेरिब्रम का क्या काम है, ये एक रूफ होता है, मतलब सबसे अपर पार्ट जो होता है वो होता है सेरिब्रम। ठीक है, ये फोर ब्रेन में होता है, ये थिंकिंग करता है, मतलब क्या हम सोचते हैं ये सेरिब्रम में होता है। फिर आती है हमारे पास ओल्फैक्ट्री लोब्स। ओल्फैक्ट्री लोब्स बहुत छोटी होती हैं और ये स्मेल को डिटेक्ट करती हैं। फिर आता है डाइसेफेलन। डाइसेफेलन का काम क्या है कि ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, ये काम होता है डाइसेफेलन का। ठीक है, उसके बाद आगे मिड ब्रेन की बारी। मिड ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक टू द लोकेट साउंड, सी का करता है। मिड ब्रेन का क्या काम है कि मिड ब्रेन हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करके रखता है, हमारी नेक के मूवमेंट को, जैसे गर्दन हो गई, ट्रंक, नेक, इन सब की मूवमेंट को, आईज की मूवमेंट को, सबको कंट्रोल करके रखता है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हिंड ब्रेन का क्या काम है, हिंड ब्रेन में हमारे पास तीन तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुलन, मेडुला ऑब्लिंगेटा। उन्होंने बोला ये क्या करता है, ये कनेक्शन रखता है स्पाइनल कॉर्ड और रेस्ट ऑफ द ब्रेन के बीच में। ये दो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं ब्रेन के, इनको कनेक्ट करके रखता है। किसका काम होता है, हिंड ब्रेन का काम होता है। सेरिब्रम का क्या काम है, ये कंट्रोल ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री एक्शन के लिए, मतलब जो हम अपनी खुशी से करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, ये उनके लिए यूज होता है सेरिब्रम। पोन्स, हमारा पोन्स जो होता है वो मतलब इम्पल्सिव जो हमारे कनेक्शन होते हैं, मैसेजेस ट्रांसफर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। फिर है मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा का काम है ये इनवॉलंटरी, वो वॉलंटरी को करके रखता था, इनवॉलंटरी मतलब जो हम अपने इससे नहीं कर पाते हैं, इसे ये करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं, सिंपल, ये कंट्रोल करके रखता है एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ये सारी बॉडीज एक्टिविटीज मतलब कि जो हम परफॉर्म करते हैं उन सारी बॉडीज की एक्टिविटीज को परफॉर्म करके रखता है। ये नर्व इंपल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम वन सेंस ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन, मतलब अब मैंने कुछ लर्न किया। ठीक है, अब मैंने कुछ लर्न कर लिया। ठीक है, मैंने वो अब मेरे माइंड में वो चीज़ है कि नहीं है, वो कौन स्टोर करके रखता है, ब्रेन स्टोर करके रखता है। फिर हमारे पास बात आ गई स्पाइनल कॉर्ड की। उन्हें बोला स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये ट्रांसमिशन करता है सिग्नल्स को बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी ने मेरे ब्रेन ने बोला कि भाई आपने इन कांटों पे नहीं चलना है। ठीक है, या मेरे ब्रेन ने बोला कि आपने बहुत प्लेन रोड पे चलना है। ये सबके सब फंक्शंस कोर परफॉर्म करके रखता है, स्पाइनल कोर परफॉर्म करके रखता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं नर्वस टिश्यू के, क्या फंक्शन होते हैं, नर्वस टिश्यू का करता है रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसको सेंड करता है ब्रेन के पास, फिर ब्रेन प्रोसेस करता है कि ये चीज़ करने वाली है या नहीं करने वाली है, फिर डिसीजंस लेता है, फिर कन्वे करता है इन डिसीजंस को तो मस्कुलर टिश्यू, सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फिर उन्होंने बोला ये प्रोटीन शेप चेंज करता है, अरेंजमेंट करता है हमारे सेल की टू द नर्वस इम्पल्सिस। इम्पल्सिस का मतलब होता है मैसेजेस, जो मैसेजेस हम ट्रांसफर करते हैं वो सारे के सारे हमारे जो फंक्शन हैं वो इसमें लाए करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पीएनएस। पीएनएस मैंने पहले बता दिया कि पीएनएस में हमारे पास तीन, पीएनएस क्या करता है, ये सीएनएस जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है इसके बाकी के सारी बॉडी पार्ट्स को अपने साथ कंट्रोल करके रखता है, अटैच करके रखता है, ठीक है।